4 प्लस शुगर आई है यूरिन में। मैंने तुम्हारे पास खून भिजवाया था ना, वो इंसान का नहीं था, मुर्गी का था। मारना नहीं, मारने नहीं। कैरपुर सूबे सिंध के कुछ शहरों में से एक शहर। ये शहर 1947 से 1955 तक पूरे पाकिस्तान में शाही हैसियत रखता था। शहर अपनी किसी ना किसी खूबी की वजह से मशहूर होता है और यह शहर भी खजूरों की वजह से बहुत मशहूर है। इस शहर में जगह जगह खजूरों के पेड़ हमें नजर आते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी, तैरपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, लम्स मेडिकल कॉलेज, यहां पर तालीमी इदारों में बड़ी अहमियत का आमिल है। जहां इस शहर में बहुत सी खूबियां मौजूद हैं, वहीं बहुत से मसाइल भी इस शहर में हमें नजर आते हैं। तकरीबन 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल यह शहर बहुत सी परेशानियों का सामना करता है। कहीं सड़कें खराब हैं तो कहीं नक्काशी आपका निजाम धर्म भरम है। लेकिन एक अहम मसला से आज हम पर्दा उठाएंगे, वो है खैरपुर शहर की मेडिकल सहूलियात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग किस तरह कुछ नाम निहाद लोगों के हाथों अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं? ना जाने कितने लोग इसका शिकार भी होते हैं और किसी को मालूम भी नहीं होता कि गलती कहां से है। खैरपुर शहर में वाकई सिविल अस्पताल वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसके ऐन सामने किस तरह लोगों की जिंदगी जा रहा है, शायद इसका अंदाजा अब तक किसी को ना था। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी। इस बार हमें आने वाली कॉल खैरपुर से मौसूल हुई। इस कॉल को रिसीव करने के बाद जैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। हम इस सोच में पड़ गए कि आया किस तरह ये खुलेआम ये काम अंजाम दे रहे हैं, इससे कितने लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंच रहा है। टीम टारगेट ने अपनी कमर कस ली। हमने फौरी फैसला किया कि हम इस केस के लिए खैरपुर रवाना होंगे। आखिर हमें ऐसी कौन सी खबर मिल गई थी जिसने हमें कराची से 450 किलोमीटर फासला तय कर मजबूर कर दिया? ऐसा कुछ तो होगा जिसने हमें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। टीम टारगेट का काफला कराची से खैरपुर रवाना हो चुका था। रास्ते में हमें बहुत से खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। दिल में ही अफसोस था कि इतने खूबसूरत मनाजिर के बाद हौलनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हम खैरपुर जा पहुंचे। हमें जो इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी इसके मुताबिक खैरपुर में मौजूद लेबोरेटरीज जो इंसान की रिपोर्ट फराहम करती हैं, असल में वो लेबोरेटरीज नहीं बल्कि एक भोंडा मजाक है जो इंसानी जानों के साथ रोजाना की बुनियादों पर खेल रहे हैं। लेबोरेटरीज का रोल आपको थोड़ा बयान करता चलूं कि किसी भी चीज की तशखीस के लिए लेबोरेटरीज का रुख किया जाता है और जहां बात आए इंसानी जिस्म की, तो जब इंसानी जिस्म कोई अंदरूनी बीमारी होती है तो डॉक्टर इस मर्ज को जानने के लिए कुछ टेस्ट लिख के देता है जो मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं और इन टेस्ट को लेबोरेटरी सर अंजाम देती हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव काम होता है क्योंकि एक जरा सी गलती एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है, क्योंकि उस टेस्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर ही डॉक्टर आपको दवाई तजवीज करता है। पूरे शहर में सिविल अस्पताल के सामने बहुत सी लेबोरेटरीज अपना काम अंजाम दे रही थी जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड ना थी, और ये तो एक अलग डिबेट। हमें वहां से ये मालूमात हासिल हुई थी कि ये लेबोरेटरीज इंसानी जानों के साथ खेल रही हैं। शुरू की ये मालूम हुआ कि यहां पर मौजूद लेबोरेटरीज में से एक दो के अलावा कोई भी रजिस्टर नहीं, लेकिन हमें सारा काम सबूत के साथ करना था। अभी मसला ये नहीं था कि ये लेबोरेटरीज रजिस्टर है या नहीं, अभी हमें ये देखना था कि आया ये अपना काम ढंग से अंजाम दे रही है या जो शिकायत हमें मौसूल हुई है वो 100% सही है। इसी सिलसिले में हमने एक प्लान तरतीब दिया, क्योंकि इसी प्लान के जरिए हम इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि आखिर माजरा क्या है।
हमने अपने नुमाइंदों को वहां की लेबोरेटरीज में कुछ टेस्ट करवाने के लिए भेजा, जिसमें यूरिन और ब्लड टेस्ट शामिल था। वहां बैठे स्टाफ की खुफिया वीडियो हमारे नुमाइंदे ने बनाना शुरू कर दी। जो स्टाफ वहां मौजूद था, इसे देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो इस पेशे से वाबस्ता है। और फिर उन्होंने हमसे सिर्फ 15 मिनट का टाइम मांगा। इनके मुताबिक 15 मिनट में वो हमें रिपोर्ट दे देंगे। अभी ला रहे हैं बस आधे घंटे, आधे घंटे में ला रहे हैं, तो उसके बाद कितनी देर बाद देंगे? 15 मिनट में। हमने इस जगह से बोतल कलेक्ट की। अब तक जो चीजें हमारे सामने आई थी वो हमें इस बात का इशारा दे रही थी जिस चीज के लिए हमारे कदम कराची से खैरपुर तक बढ़े हैं, वो शिकायत ठीक है, लेकिन सबूत हाथ आने तक हम कुछ भी कहने से कासिर थे। कई मरतबा डिप्टी कमिश्नर के अहकाम के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और उसका अमला गया था इनको बंद कर, मगर जितने भी लोग हैं ये सियासी इनके असर रसूख बंद हो जाती है, दूसरे दिन खुल जाती है। आए रोज जितने भी सिविल अस्पताल में जितने भी अमला है उनके साथ ये मेरे ख्याल में मिला हुआ, ये कहते हैं कि भाई बाहर जाओ आप इनकी टेस्ट करवाओ, गैर कानूनी ऐसे ही बैठे हुए। हमने सोचा कि क्यों ना अब इनका टेस्ट लिया जाए। हमने यूरिन की जगह मशरूब का इस्तेमाल किया, उसको हम जो है वो टेस्ट होने के लिए भेजेंगे, और इंसानी खून की जगह मुर्गी का खून इन बोतलों में भर दिया। आपने देखा कि हमने सामने ये मुर्गी वाले से हमने मुर्गी का खून लिया है, ये इंसान का खून नहीं है, जानवर का खून है। अब बारी थी इन टेस्ट रिपोर्ट की जो इन्होंने हमें फराम करनी थी, और देखना था कि आया हमारी इस शरारत की वो क्या रिपोर्ट देंगे। यूरिन की जगह मशरूब और इंसानी खून की जगह जानवर का खून, इसी तरह मौसूल होगी जिस तरह होनी चाहिए। हम इंतजार की घड़ियां गिन रहे थे, बस थोड़ी ही देर बाद हमारा नुमाइंदा इनका अमालनामा अपने हाथ में लिए हमारे पास आ पहुंचा, जिसे देखकर बाखुदा हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। इन लोगों ने मशरूम को यूरिन रिपोर्ट समझकर वो चीजें दर्ज कर दी जो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में होती है, और इसी तरह जानवर के खून को बगैर जाने इंसानी रिपोर्ट समझकर हमें रिपोर्ट फराम कर दी। नाज़रीन, जो कंप्लेंट हमें मौसूल हो रही थी वो बिल्कुल सही कंप्लेंट थी, और बड़े अफसोस की बात है कि हमने एक मुर्गी का खून लेकर उसका ब्लड रिपोर्ट लिया, और जो मशरूम हमने मशरूम को जिस लैब में भेजा तो उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, और वो उनकी मशीनें ये डिटेक्ट नहीं कर पाई कि आइदर ये यूरिन है या ये कोल्ड ड्रिंक है। इंसान और जानवर के खून में भी वो फ़र्क नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, और खैरपुर में किस तरह लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है वो देखकर बड़ा अफसोस भी हो रहा है। हमने अपने इत्मीनान के लिए डॉक्टर से भी रब्ता किया तो ये मालूम हुआ कि ये एक बड़ा कानूनन जुर्म है जो ये लोग रोजाना की बुनियादों पर आवाम के साथ करते हैं, और बेचारी आवाम चुपचाप ये जुल्म अपने साथ बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि जिन्हें वो मसीहा समझ रहे हैं दरअसल इनकी हकीकत कुछ और है। अब इंतजार मुझे अब बारी थी शिकार को दबोचने की। हमने SSP खैरपुर जनाब असफर मैसर साहब से राब्ता किया, और उन्होंने फौरी तौर पर हमारी मदद। टीम टारगेट का काफला खैरपुर के थाना सेक्शन बी जा पहुंचा। इस वक्त में मूव कर रहे हैं हम यहाँ से पुलिस की सरप्राइज में, और अब जो आगे की सिचुएशन होगी वो हम आपको दिखाएंगे। SSP असफर मैसर की सरप्राइज में इस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा है, उनकी खास हिदायत पे, SSP साहब की खास हिदायत पर इस ऑपरेशन को इस वक्त कवर किया जा रहा है, और अब यहाँ से मूव करेंगे पुलिस के जवानों के साथ, और फिर जो भी सिचुएशन होगी ग्रीन पे देखेंगे। हमने वहां से पुलिस की नफरी के हमरा इन जगहों का रुख किया। लाइन में वहां ब्रीज मौजूद थी, लेकिन फिलहाल जिन तीन के सबूत हमारे पास थे हमें इन्हें ही टारगेट करना था। इसी सिलसिले में हमने एक प्लान तरतीब दिया कि वारा ना हो सके। हम पहली लैब जा पहुंचे। अंदर आए। सलाम अलैकुम। ये अभी की रिपोर्ट है।
रिपोर्ट में क्या आया, जरा बताएंगे? ग्लूकोज है, 4+। 4+ है जी। किस चीज़ की रिपोर्ट है ये? यूरिन ईआर की। अब जरा एक बात बताऊँ आप? जी जी। जो आपने टेस्ट किया है ना, वो यूरिन था ही नहीं, वो बोतल थी, और उसकी पूरी फुटेज बनाई हुई हमने। जाकर जब इन्हें आईना दिखाया तो साहब ने फौरी होशियारी दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे यूरिन ही दिया था और आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास यूरिन दिया रहा है, हमारे पास कैमरे में पूरी फुटेज है, आपने यूरिन दिया। ये फंसाने की बात कर रहे हैं आप? इतना खूबसूरत नहीं आप, आप मुझे फंसाने की बात कर रहे हैं? अब इन्हें जरा कोई ये बताए कि 450 किलोमीटर का फासला तय करके हम क्या इनसे दुश्मनी निभाने आएंगे? आप मुझे फंसाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इन्होंने सबूत को मिटाने की कोशिश की इस रिपोर्ट, लेकिन फिर क्या है ना, हम भी इंसान हैं और गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है। आप तो बसा रहे हैं मुझे, आप इसको हाथ से फाड़ना नहीं, फाड़ने नहीं है, आप रखा हो अपने पास इसको, ये नहीं करो। वो हमने इनके शोर शराबे से ना डरते हुए इन्हें पुलिस मोबाइल का रुख करवा दिया। अब जैसे इस जगह पर खलबली मच गई हो, आया जैसे कोई तूफान। हमने दूसरी लेबोरेटरी का रुख किया। ये टेस्ट आपने दिया? हाँ सर। बोलो, इस रिपोर्ट को संभालो। किस चीज की रिपोर्ट है? यूरिन डीआर डिटेल रिपोर्ट। अच्छा जी सर। क्या आया इसमें? सर इसमें यूरिन डीआर 4+ शुगर आई है, यूरिन में 4+ शुगर आई है। जी सर। तो जो आप लोगों ने टेस्ट किया वो यूरिन ही था? यूरिन डीआर था। जब इन्हें भी हकीकत बयां की तो इनके औसान खता हो गए। अहमकाना बातें शुरू कर दी कि यूरिन और मशरूब में क्या फर्क होता है। नहीं, जो आपको दिया था बोतल में, हाँ, वो यूरिन ही था? यूरिन था, यूरिन में दिया था वो जी। अगर मैं कैमरे में दिखाऊं वो यूरिन नहीं था, वो बोतल थी, एक बड़ी मशहूर बोतल है वो थी, और उसकी रिपोर्ट आपने बना दी। फिर एक सर एक मिनट बात सुनिए, यूरिन का कलर सेम कलर है, सेम कलर आपने डाला, आपको पता चला वो यूरिन है कि नहीं है? हमारे पास इनकी बातों के जवाब ना थे, क्योंकि इनकी ऐसी अहमकाना बातों के जवाब कोई अहमक ही देना पसंद करेगा। बात तो सुने, बात कर रहे हो भाई, एक मिनट बात तो सुन। हमारी इस कार्रवाई ने वहां ऐसे करतूत करने वालों पर ऐसा असर डाला जो हमें वहां नजर आने लगा। हर कोई अपनी लैब का शटर गिराकर बाहर आकर खड़ा हो गया। ये सिविल अस्पताल के सामने जी, ये सारी लैबें चल रही हैं, आवाम की जिंदगी से यहां पर ये लोग खेल रहे हैं। फिर हमने वहां से तीसरी जगह को रुख किया। ये लैब अभी तुमने, ये रिपोर्ट तुमने दी अभी? खोलो, पढ़ो, खोल के पढ़ के बताओ मुझे, अभी खुली है तुम लोग ये लैब? कितना टाइम हुआ है? अभी 3 महीना हुआ, ये लैब मैंने नहीं खोली। अच्छा, ये क्या है कि तुमने दी है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट मैंने दी। इसका टेस्ट कहाँ हुआ है? इसमें क्या लिखा भाई ये बताओ। जहाँ इंसानी खून और जानवर के खून को एक कर दिया गया। अच्छा मुझे ये बताओ, इंसान के और जानवर के खून में कोई फर्क होता है, एक जैसा होता है? वो तो नहीं पता। वो नहीं पता, मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा जी, जो मैंने तुम्हारे पास खून भिजवाया था ना जी जी, वो इंसान का नहीं था, मुर्गी का था। इसका था मुर्गी का। मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ू कुकड़ू। वहां पर दो लड़के मौजूद थे जिन्हें इस बारे में कोई इल्म ना था कि आया वो क्या काम अंजाम दे रहे हैं। इधर आओ, जरा दिखाओ, ये तुम लोगों ने क्या बनाया हुआ अपना, क्या इधर टेस्ट करते हो तुम लोग? कौन तुम, कौन हो? मैं ये कौन है? मुलाजिम है। टेस्ट तुम करते हो? नहीं है? नहीं। टेस्ट तुम करते हो? जरा किसने किया था टेस्ट? मैं इधर सफाई करता हूं। तुम्हारी टेस्ट करती है, वीडियो बनी है, कैसे टेस्ट कर? समझाओ मुझे क्या चीज है वो, खून का है जो हम लाए थे, वो कहां गया? रखा हुआ है? दिखाओ। खून रखा हुआ है। क्या है वो दिखाओ? ये वाला। तो बगैर पता किए चेक करके दे दिया तुम लोगों ने? सॉरी हैं? सॉरी। हम आपको बता दें जी कि ये मुर्गी का खून था जो हमने इनको दिया था, और इन्होंने मुर्गी के खून की रिपोर्ट दी है। मैं एक दफा भरपूर में ये सिविल अस्पताल के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ, और यहाँ लाइन से जो है लैब्स मौजूद है, और ये आवाम की जिंदगियों के साथ मैं कह रहा हूँ खेलना है, कि यहाँ पर आवाम की जिंदगियों के साथ खेला जाता है। और जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि किस तरह होता है। कराची से स्पेशली मैं इसी टास्क को लेकर आया था कि
एक बड़ा मजाक बनाया हुआ है इन लेबोरेटरीज वालों ने, आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमने वहाँ से अपना ब्लड सैंपल भी वसूल कर लिया। जरूरत इस बात की है कि लेबोरेटरीज को भी रेगुलेट किया जाए और बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाए, क्योंकि लेबोरेटरीज की रिपोर्ट के ऊपर मरीज की जान का दारोमदार होता है और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल टेस्ट जिसमें हमारे पास कोई और सबूत नहीं होता सिवाय लेबोरेटरी एविडेंस के, कि हम ये साबित कर सकें कि जो है वो मरीज को क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होना चाहिए, किस तरह से उसका इलाज होना चाहिए। अब इन सबको लेकर थाने आ पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद अहमद। कहां तक पढ़े हो? सर एमए किया है। एमए किया इस फील्ड में। कैसे हो? तुम्हारी लैब है? नहीं, टेक्नीशियन सर। है तुम्हारी लैब? है जी सर। तुम्हारी लैब है? रजिस्टर है? रजिस्टर का हमने जब मालूम किया तो यहाँ पे कोई कानून नहीं है, लैब का नहीं है, ब्लड बैंक का है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, राजस्थान में ये पूरे पाकिस्तान में कानून है। बोतल और यूरिन में क्या फर्क होता है? सॉरी सर, हो गई गलती, अब क्या करें। हैं? हो गई गलती सर, सॉरी। कोई बात नहीं, गलती हो गई। और इसको मराठों से तो मैं फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई, किसकी फैक्ट्री वो है? लैब है सर। लैब जो है वो एजाज शेख की है। एजाज शेख कौन है? एजाज शेख सिविल के अंदर लैब है। सिविल के अंदर क्या करता है? स्टोर है उसके अंदर। अब ये देखें, सिविल के अंदर उसका अपना स्टोर है, अपनी एक लैब खोल ली बाहर, और उसने बिठा दिया ये। किसी और को बिठाया है? ये खून किसने लिया था? सर मैंने ही लिया, लिया था। इसकी रिपोर्ट दी? जी सर। ये मुर्गी का खून है, ये मेरे पास सबूत के तौर पे भी है। जी सर। और मुर्गी के खून की तुमने रिपोर्ट दे दी कि उसको शुगर है? मुर्गी को शुगर होने वाली है? तुम क्या करते हो? सफाई करता हूँ। तो कितने टाइम से बना रहे हो? तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हारी वीडियो बनाई है सर। दिखाओ। तुम्हें दिखा रहे हैं ना कि तुम क्या टेस्ट कर रहे थे? सर हम सफाई करते हैं। तुम सफाई करते हो ना, बस तुमने भी सबके सामने कहा है तुम सफाई करते हो। जी सर। चलो। कितने टाइम से बना रहे हो? सफाई करने वाला खड़े होकर ब्लड लिया हुआ। अगर क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं तो क्वालिफाइड टेक्नीशियंस ही रिपोर्ट बनाते हैं और पैथोलॉजिस्ट उसको चेक करता है। लेकिन ये जो स्वीपर से काम करवाना या इस तरह से अनक्वालिफाइड लोगों से काम करवाना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। बल्कि इसके ऊपर न सिर्फ ये कि लेबोरेटरीज के ऊपर बल्कि उन लोगों जिनसे कि ये काम किया जा रहा है उनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए, ताकि वो उसके सबका काम करने से मना कर दें अपनी लेबोरेटरीज के मालिकान को कि ये काम हम नहीं कर सकते, इसलिए इसका हमें अख्तियार नहीं है। इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हो बैठ के तुम लोग। तुम लोगों को तजवीज ना तो तुम्हारे पास तजुर्बा है, बस तुम्हें पता है खैरपुर में बेचारे जो सामने से लोग आ रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, खेल रहे हैं। और ये तीन नहीं है, ऐसे तो बेतहाशा है। मैं तो सिर्फ आगे तीन को चेक किया, ऐसे बेतहाशा लाइन लगा के बैठे हुए। बैठे हुए नहीं बैठे हुए तुम्हारी तरह? बिल्कुल बैठे बैठे हुए। नहीं बैठे हुए ऐसे? बैठे हुए लाइन लगा के, पूरे पूरे लाइन लगा, लाइन लगा के बैठे हुए। ये तीन नहीं है सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ। मुझे तो जाहिर है अपना प्रोग्राम करना था तो तीन हाथ आए। अगर मैं सबसे करवाता सब यही देते, क्योंकि इनकी किसी की मशीन कुछ नहीं है, बस जी जो रिपोर्ट बना के देनी है दे दो। ये उसका खून है, वो सफाई करने वाला पहले बोल रहा है मैं सफाई करने वाला हूँ, हमारे पास वीडियो मौजूद है, वीडियो में वो सैंपल देख रहा है। ये इतना जीनियस हो गया कि ये कह रहा है कि नहीं ये खून नहीं है। वो कह रहा है मुझे डाउट हुआ था, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे तो मैंने कहा रिपोर्ट बना दो। एक्चुअली होना ये चाहिए कि लेबोरेटरी ना उसके बनाने का और उसको चलाने का एक तो तरीकाकार होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि बहुत सारी लैब्स जो हैं वो गलत प्रैक्टिसेस में हैं, कि डॉक्टर्स वगैरह को भी कमीशन दे देते हैं जो भी उनके पास रेफर करता है, तो मरीज़ के ऊपर तो बोझ बढ़ता चला जाता है लेकिन रिपोर्ट्स की क्वालिटी ख़राब होती चली जाती है। तो न सिर्फ ये कि उन लोगों को लेबोरेटरीज खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिनके के पास प्रॉपर उसके लिहाज से लेबोरेटरी की क्वालिफिकेशन ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, इसी तरह उनका स्टाफ जो है वो भी प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए और उसके भी कवायद और जवाबत के तहत जो है ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। एसएसपी साहब असवर मैसर साहब की एक बड़ी बात है कि उन्होंने इसको इस चीज़ को सोचते हुए, क्योंकि ये काम इनका नहीं है, ये काम हेल्थ डिपार्टमेंट का ज़्यादा होता है, उन्होंने आवाम की इस तकलीफ को देखते हुए कि उनके पास शिकायत आ रही थी हमें कराची से यहाँ पर बुलवाया। देखें बहुत सारी लेबोरेटरीज जो है ना उसमें यही होता है कि रिपोर्ट्स आमतौर पर पूरी तरह से तफसील के साथ देखी नहीं जाती और एक पैटर्न बना हुआ होता है उसके तहत ये रिपोर्ट दे देते हैं जो कि गलत है। अब जैसे कि जो रिपोर्ट्स आपने मुझे दिखाई है ना,
इसमें इन्होंने पस सेल्स भी और एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो भी बताए हैं कि इसमें मौजूद हैं, जो कि इसमें नहीं होने चाहिए। इसी तरह यूरोबिलिनोजन जो है वो भी लिखा हुआ है कि नॉर्मल क्वांटिटीज़ में जितना इंसान में होना चाहिए उतना आ रहा है, जो कि नहीं है इसमें। तो कई लेबोरेटरीज़ में ये प्रैक्टिस जो है वो होती है कि अगर कोई ज़्यादा मुश्किल कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं होती तो वो बगैर देखे हुए एक स्टीरियोटाइप रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर वो प्रिंट आउट कर देते हैं। और एग्जैक्टली इसी चीज़ के इसी इसमें जो है ना ये रिपोर्टों भी निकाल दी गई हैं, लेकिन जो भी अच्छी लेबोरेटरीज हैं वो उसका मुआयना करती हैं तो वो पिकअप कर लेती हैं कि ये यूरिन नहीं है। लेकिन जहाँ जिन लेबोरेटरीज में इस किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं ली जाती तो वो एक स्टीरियोटाइप किस्म की रिपोर्ट बना देती हैं, जिसकी की वजह से जो है वो मिसलीडिंग रिपोर्ट्स निकलती हैं। और जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं वो भी आमतौर पर किसी एक रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ना, और ख़ासतौर पर यूरिन की एक रिपोर्ट की बुनियाद पर ये फैसला नहीं करते कि मरीज़ को शुगर है या मरीज़ को जो है वो यूरिन का इन्फेक्शन है या मरीज़ को जो है वो खुदा ना खस्ता किडनी की कोई और ऐसी बीमारी है। लेकिन ये डेफिनेटली होता है कि अक्सर औकात ये होता है कि शुगर की रिपोर्ट अगर मरीज़ में शुगर आ रही होती है और लैब्स नेगेटिव दे देती हैं, उसकी बुनियाद पर होता ये है कि जब नेगेटिव रिपोर्ट जाती है तो लोग मुतमिन हो जाते हैं कि चलो इनमें शुगर नहीं है। उसी वजह से जो है वो मरीज जिसको कि इलाज मिलना चाहिए था इलाज जो है वो नहीं मिलता। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खान मोहम्मद खान प्रेसिडेंट हैं खैरपुर प्रेस क्लब के, और इनसे भी हम बात करेंगे इस हवाले से। सर ये बताएं कि खैरपुर में हमने ये चीज़ नोट करी है कि हेल्थ के हवाले से बहुत से ऐसे मसाइल हैं जैसे जाली डॉक्टर्स को होना, अभी हमने कार्रवाई करी जाली लैब्स के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे हम? और यहाँ पर बहुत बदकिस्मती से ये कहा जाता है कि बहुत काम हुआ है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, इस हॉस्पिटल्स बनी हैं, PPH है कि पूरे हेल्थ से जो सेक्टर में काम है वो भी अच्छा हो रहा है, मगर जब आप बुनियादी चीज़ को नहीं देखेंगे, अब बुनियादी चीज़ तो ये है कि अगर मर्ज की तख्सीस ना हो और वो होती है लेबोरेटरी से। सर एक चीज़ हमने और अभी जो प्रोग्राम किया उसमें ये कि इनको यही नहीं पता कि यूरिन DR और कोल्ड ड्रिंक में क्या फ़र्क है या इंसानी खून या जानवर के खून में क्या फ़र्क है, तो ये अवाम के साथ एक ज़ाती नहीं अवाम के जिंदगी से खेला नहीं जा रहा? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो अवाम के साथ खेलने के बराबर है। ये बहुत ही ज़्यादती और जुल्म की बात है कि ये इस तरह की, और आपने जिस तरह से निशानदेही की है ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इन लोगों को ख़ास करके ज़िला इंतज़ामिया को और हेल्थ डिपार्टमेंट को ख़ास करके मुतरक होना चाहिए। वो लोग हैं और जी खैरपुर की आवाम को थोड़ा सा देखना भी चाहिए और इस चीज़ पर ख़ुद भी नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ से इलाज करा रहे हैं, क्योंकि एक सहावी का काम सिर्फ दिखाना होता है, निशानदेही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फोर प्लस शुगर आइए यूरिन में। मैंने तुम्हारे पास खून भिजवाया था ना, वो इंसान का नहीं था मुर्गी का था। जी नाज़रीन, तो आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हमारा आज का प्रोग्राम एक वो हकीकत है जो रोज़ाना की बुनियादों पर खैरपुर की आवाम के साथ हो रही है। इन जैसे लोगों की गलतियों की वजह से ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते होंगे, कितनी मुश्किलात कितनी परेशानियों में फंस जाते होंगे। क्या खैरपुर शहर में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या कोई इन्हें देखने वाला नहीं है? इन लोगों को बड़े बड़े माफिया सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक तो खैरपुर में मौजूद सिविल अस्पताल में से है और कुछ माफिया बाहर बैठे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनका नाम भी हम आपके सामने लाएंगे। अब आता हूं सिंध हुकूमत की जानिब। क्या सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई की तरह ये तमाम मनाजिर देखती रहेगी? क्या हमारा ये प्रोग्राम महज एक प्रोग्राम है, चलेगा और खत्म हो जाएगा, या फिर कोई आवाज उठाएगा? ये अब देखना है। हमारा काम होता है आगाही देना, जो हम दे चुके। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।